तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ये अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में बातें करेंगे। तो इसका पूरा यूज़ के बारे में बातें करेंगे, कैसे यूज़ करना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो ये सब डिटेल्स बातें करेंगे। क्योंकि ये टैबलेट अगर आप लोग सही से यूज़ नहीं करेंगे तो कोई कोई पेशेंट में ये मिस भी हो जाता है। कोई पेशेंट आके बोलता है कि ये अनवांटेड टैबलेट खाने का बाद भी प्रेग्नेंट हो गया है। तो इसका सही उपयोग जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में इस टैबलेट का सही से इसका यूज़ के बारे में बातें करें, कब खाना चाहिए और अगर इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो तो साइड इफ़ेक्ट के दौर से आप लोगों का क्या हो सकता है, तो ये सब डिटेल्स बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा और अगर चैनल नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में फार्मेसी का हर एक मेडिसिन के ऊपर वीडियो बना बना के अपलोड किया जाता है। तो अगर फार्मेसी के हर एक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये अनवांटेड 72 टैबलेट का मेन यूज़ है आपका कि अगर आप लोग कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, करने का बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने का बाद अगर आप लोगों का प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, फैमिली प्लानिंग के मुताबिक आप लोगों का अभी उस टाइम पार्टनर का प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आप लोगों का मन में भी डाउट है कि प्रेग्नेंट हो सकता है, तो इस तरह का ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 72 आवर्स के अंदर अंदर ये अनवांटेड 72 टेबलेट एक खाने के लिए दिया जाता है। तो ये टैबलेट खाने से पहले आप लोगों को एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टैबलेट में बोला गया है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर खाना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका जो इफ़ेक्ट है, ज़्यादा इफ़ेक्ट पाने के लिए, अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए इस टैबलेट को आप लोग 12 आवर्स में खाने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है। 12 घंटे के अंदर खाने से इसका बेस्ट रिज़ल्ट दिखाता है ये टैबलेट। इस टैबलेट का और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये टैबलेट तो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है। ये आप लोग कभी इमरजेंसी में अगर महीने में एक दिन दो दिन ज़रूरत पड़े तो ये टैबलेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और अगर रेगुलर के लिए आप लोगों का यूज़ करना है तो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक टैबलेट जो आप लोग फार्मेसी में मालाडी मिलता है, सुखी मालायन सब मिलता है, वो एक स्ट्रिप में 21 टैबलेट रहता है, 21 टैबलेट्स रहते हैं। और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल में जो आप लोग अनवांटेड 72 हो, आईपिल हो, ये सब टैबलेट में सिर्फ एक ही टैबलेट रहता है, ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल जो है अनवांटेड 72, ये आप रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसको रेगुलर यूज़ करने से आप लोगों का साइड इफ़ेक्ट का चांस ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप लोग रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल लेते हैं, जैसे कि मालाडी लेते हैं अगर आप लोग, तो ये लेने के टाइम में अगर कंटिन्यू आप लोगों का दो दिन या तीन दिन ये मालाडी लेने के लिए आप लोग भूल गए हैं बीच में, और इसका बीच में भी आप लोग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, और अगर आप लोगों का मन में डाउट है कि प्रेग्नेंट हो सकता है तो ये दो तीन दिन कवर करने के लिए आप लोग ये एक टू इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल ले सकते हैं, ये अनवांटेड 72 एक टू टेबलेट आप लोग ले सकते हैं, और बाद में फिर से आप लोग वो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल जो है मालाडी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये टैबलेट आप लोग खाना खाने का आधा घंटा बाद दिन में हो या रात को कभी भी ये टैबलेट एक ग्लास पानी के साथ आप लोग ये टैबलेट ले सकते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूं तो ये अनवांटेड 72 टैबलेट तो एक सेफ मेडिसिन है, इसका इतना बड़ा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। फिर भी कोई कोई पेशेंट में छोटा मोटा कोई साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, जैसे कि एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा लूज मोशन हो सकता है, पतला पैखाना हो सकता है आप लोगों का। और इस टैबलेट का ज़्यादा यूज़ करने से कोई कोई पेशेंट में आप लोगों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल महीने का कौन तारीख में आप लोगों का मेंस होता है, वो जो टाइमिंग है वो टाइम का थोड़ा गड़बड़ देखा गया है, इधर 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 उधर होना देखा गया है, और जो ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो भी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है कोई कोई पेशेंट में। तो अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप लोगों का कोई साइड इफ़ेक्ट मिले तो तुरंत आप लोग डॉक्टर साहब का कंसल्ट कर लीजिएगा, बाद में ये टेबलेट लीजिएगा। थैंक यू।